अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज एक बैड न्यूज़ है। जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया तोतों के केज के करीब आया तो उस टाइम सुबह मैंने यहाँ पर दो अंडे पड़े हुए थे, एक में एक बच्चा पड़ा हुआ था, एक अंडा पड़ा हुआ था और अंडा भी टूटा हुआ था, उसमें भी बच्चा बना हुआ था और उन्होंने मारकर फेंक दिया था रेडिया जोड़ों ने। पता नहीं है इनमें क्या ऐसा मसला है, जब भी इनके अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो ये मार कर नीचे फेंक देते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा कि किस वजह से ये ऐसा करते हैं। ओए दोस्तों, ये देखें, मटकी टूटने वाली है और मेरे हाथों से गिरने वाली है, तो इसको यहाँ से जाकर पकड़ के। दोस्तों, ये गिरकर टूटने वाली ही थी, ये देखें, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मोड़ दिया तो ये टूट गई मेरे हाथ में ही, और मैंने शुक्र है कि जाकर अंदर मटकी को पकड़ लिया। इसमें तकरीबन 6 या 7 अंडे पड़े हुए हैं, अभी मैंने देखे भी। और जी दोस्तों, इनमें एक पट्ठा कल मैंने देखा था, तो वो आज मैंने छोटा केज जो पड़ा हुआ है उस तरफ, वो सामने पड़ा हुआ है, वो पट्ठा भी मैंने पकड़ के उस तरफ रख दिया है। तो ये छोटा पट्ठा मुझे इसमें नज़र आ रहा था, मैंने सब तो जितने भी ऑस्ट्रेलियन हैं वो पकड़ के छोटे केज में पकड़ के रख दिए और दोबारा इनकी गिनती की। मैंने कहा ऐसा ना हो कि कोई ब्रीडर मेल या फीमेल पकड़ के इस बड़े केज में मैंने छोड़ दी हो, तो इस वजह से मैंने सब पकड़ के छोटे केज में इसमें रख दिए। उसके बाद गिनती की तो वो पूरे थे और ये एक बच्चा ज़्यादा था इनमें, तो ये भी निकल आया आज, ये भी उनके साथ छोड़ देंगे। और रिंगनेक को भी मैं और राह को भी ऊपर लेकर आया हूँ और शिराजियों को भी खोल दिया है मैंने। शिराजी आज भी सुबह अपने खुटे में बैठे हुए थे मगर इन्होंने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया, और 35 वाले भी उस कबूतरी के अंडों पर बैठे हुए हैं, और इस कबूतरी के अंडे हैं इसके पास भी, उनको अभी तक नहीं खोला। ये जोड़ा जब बंद करूँगा, जो सेट कर रहा हूँ, तो इसको बंद करने के बाद ही इनको खोलेंगे। तो चलकर पहले इस पट्ठे को उस तरफ छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये मैंने अपने हाथ में उठा लिया है और इसको इनके साथ ही छोड़ देंगे। ये देखें, ओए ये तोड़कर नीचे चला गया, तो ये भी अब इनके साथ ही रहेगा माशाल्लाह। अब ये पहले 19 थे, अब ये 20 हो गए पूरे, और 3 और आवाज़ भी आ रही होगी आपको, वो सामने एक मटकी में फीड भी करवा रही है अपने बच्चों को। तो ये भी जी तो ये वो भी बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो इनके साथ छोड़ देंगे, तो माशाल्लाह ये अभी 20 हो गए हैं पूरे। जी दोस्तों, गिरे जावा को भी और लव बर्ड को भी मैंने दाना पानी दे दिया है। ये देखिए, इनके लिए सॉफ्ट फूड तैयार करता हूँ, रात के टाइम भिगो कर रखता हूँ और दिन के टाइम ये दे देता हूँ सुबह के टाइम, और पानी भी इनको दे दिया है। तो इनमें देखते हैं, ये एक बच्चा है, थोड़ा वीक लग रहा है मुझे 2-3 दिन से, अल्लाह करे कि ये भी सही हो जाए माशाल्लाह। दूसरे सब एक्टिव और हेल्दी हैं, फ्लाई वगैरह भी सही कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ढीला ढीला है ये बच्चा जो बैठा हुआ है माशाल्लाह। और लव बर्ड भी बिल्कुल एक्टिव हैं सारे के सारे। जी दोस्तों, आज रिंगने को राह के लिए ये मटर और कच्चे जो होते हैं वो चने लेकर आया हूँ, तो ये बड़े शौक से खाएंगे। अभी मैं खुद भी खा रहा था, राह ये सामने पड़ा हुआ है, देख रहा था मुझे घूर घूर के मुझे भी खिलाओ, तो इनको आज ये भी खिलाएँगे। और इनके लिए मैंने रात के टाइम काले चने भिगो के रखे थे, वो भी डाल देंगे, वो भी खाएंगे। तो ये रिंगनेक के लिए मैंने उठाया है, वो चलकर पहले रिंगनेक को देते हैं। ये देखें, जैसे ही मुझे देखते हैं और अंदर जाके छुप जाते हैं भाग कर, ये देखें। और ये किलहरी के काम है, देखें कैसे ट्रे निकाल दिए इन्होंने, तो ये आकर बड़ा तंग करते रहते हैं इनको। मेरे ख्याल में इसी वजह से ये ब्रीड भी नहीं कर रहे सही से, क्योंकि ये सारा दिन इनको तंग करते रहते हैं। जी दोस्तों, इनके लिए आज ये तैयार किया है मैंने, मिक्स करके दे रहा हूँ, तो ये खा लेंगे। और नीचे भी कॉकटेल का जोड़ा पड़ा हुआ है, 2 जोड़े, एक इस बॉक्स में अंडों पर बैठा हुआ है, इसकी फीमेल बैठी हुई है अंडों पर और इसका मेल बैठा हुआ है अंडों पर। तो माशाल्लाह दोनों जोड़ों ने 4-4 अंडे दिए हुए हैं, देखते हैं पर ये
ये कब बच्चे करते हैं। मेरे ख्याल में ये तकरीबन इनको 8-9 दिन हो गए हैं, तो 10-12 दिनों के बाद ही ये बच्चे निकल आएंगे इनके अंडों से। दोस्तों मैं भी चारपाई पे बैठा हुआ हूँ और ख़ुद भी खा रहा हूँ। ये पका कर खाने पड़ते हैं, कच्चे भी खा सकते हैं आप। तो राह को भी ऊपर अपने पास ही रखा हुआ है मैंने, तो इसको भी खिलाता जा रहा हूँ। ऐसे ये होगा कि इसका डर भी ख़त्म हो जाएगा। आजा मिठू। दोस्तों सब परिंदों को दाना पानी दे दिया है और सब परिंदे अपना दाना पानी खा पी कर मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं। और मिठू मियाँ को भी खोल दिया है। मिठू मियाँ भी पिंजरे के ऊपर बैठा हुआ है, कभी उस केज के ऊपर जा रहा है, कभी इस केज के ऊपर आ रहा है। और इसके लिए यहाँ मैंने मटर रख दिए हैं, तो ये खा रहा है आकर बार बार नीचे। मैं जैसे इसके करीब आता हूँ, मैं भाग कर केज के ऊपर बैठ जाता है। और ये भी जोड़ा देखें, इनका भी माशाल्लाह बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है। तो चलकर खरगोशों का रहता है दाना पानी लेकर आया था, और गाजरें डाल दी थी खरगोशों को। आज भी इनके लिए चारा नहीं लेकर आया, गाजरें और दाना दे दूंगा। देखें माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। बस मेरे ख्याल में बस कुछ दिनों में ये इतने बड़े हो जाएंगे कि बच्चे दे सकें। ये फीमेल जो है ये तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और वो मेल वो अभी छोटा। जैसे ही मैं परिंदों को दाना पानी दे रहा था, तो ये ऊपर आकर कबूतर एक बैठ गया, पता नहीं किसका है। तो इसको पकड़ने की कोशिश करते मैं दौड़ता हुआ। जी दोस्तों काफ़ी कोशिश की पकड़ने की, मगर हाथ में नहीं आया, और 2-3 चक्कर भी उसने लगाए छत के ऊपर। जी दोस्तों जो मेरे पास कबूतर है, मैंने कभी नहीं बताया आपको कि कहाँ से लेकर आया हूँ मैं। तो ये मैं लेकर आया था पंजाब से, डूंगा बूंगा से तला गोरी भाई, तो वहाँ मैं उनके डेरे पे गया हुआ था। तो वहाँ से मैं ये कबूतर लेकर आया था, ये जो शिराजियों का जोड़ा है, और ये 35 साल जो हैं ये मैं लेकर आया था तला गोरी भाई से। शिराजियों का एक शाह साहब के पास था, वो सेल कर रहा था ये जोड़ा। तो ये तकरीबन मैंने 8,000 का ये जोड़ा लिया था। जी दोस्तों एक शाह साहब था, तो शाह साहब से तालाब में कबूतर लेते थे, तो वहाँ से भी मैं भी उनके पास गया हुआ था। तो उस टाइम मैं भी गया उनके छत पे, तो वहाँ मुझे भी पसंद आ गए थे ये कबूतर। तो तालाब भाई को कहा मुझे भी एक जोड़ा चाहिए, तो वहाँ से मैंने ये एक जोड़ा तकरीबन 8,000 का ये जोड़ा लिया था मैंने उस टाइम। तो एक मरतबा इन्होंने मेरे पास ब्रीड भी की है, बच्चे किए, मगर बच्चे वो पता नहीं ठंड की वजह यहाँ क्या मसला बना, तो वो दोनों एक ही दिन में मर गए। सुबह के जब टाइम आया तो इनके इनको आकर देखा तो दोनों मरे हुए थे। अब दोबारा इंशाल्लाह वो ब्रीड पर आ रहे हैं। तो सुनो चाचू वालों की जगह पर आया हूँ, और मुर्गे को भी खोल दिया है। ये देखें ये अभी दाना खा रहा है, तो उसके बाद उसे थोड़ी देर यहाँ खुला छोड़ देंगे, मिट्टी में थोड़ा घूम फिर लेगा। तो फिर यहीं पर इसको बंद कर देता हूँ, ये पूरा दिन यहीं पर बंद होता है, तो पानी और दाना इसके पास पड़ा होता है। मैं थोड़ी देर से घुमा फिरा कर फिर इसी जगह पे बंद कर देता हूँ, जब तक मुर्गी लेकर आऊँ इसके लिए। बाद में इसको खोल देंगे, वरना ये सामने वालों की जगह पर भाग कर चला जाता है इस तरफ। वो देखें ऊपर छत पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो ऐसे ही खोल देता हूँ। वो लोहा भी लेकर आया हूँ, तो उसे अभी तक कलर नहीं किया मैंने। रोज़ कह रहा हूँ आज लेकर आऊँ, आज लेकर आऊँ कलर, तो इंशाल्लाह कल लेकर आऊँगा कलर। तो इसको कलर भी कर देंगे, और गर्मी भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो छत डलवा देंगे वहाँ, ये छत लगवानी है। लोहा तो लेकर आया हूँ, बस 1-2 दिन में इंशाल्लाह कलर कर देंगे। और माशाल्लाह ये देखें मुर्गा अभी मिट्टी में खेल रहा है। तो ऐसे यहाँ छोड़ देते हैं खुला, और चलकर उस परिंदों को देखते हैं, बाद में आकर इसको बंद कर देंगे। दोस्तों जैसे ही मैंने मोबाइल जेब से निकाली, तो ये उड़कर ऊपर बैठ गए। पहले ये पानी में नहाने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे मैंने मोबाइल निकाली जेब से, तो ये उड़कर ऊपर बैठ गए। और इंशाल्लाह इनका कुछ दिनों में ये बर्तन चेंज करेंगे। मौसम भी अब गर्मियों की होती जा रही है, तो थोड़े 10-15 दिनों के बाद इंशाल्लाह ये इनका बर्तन चेंज कर देंगे। जैसे ये वो दाने का बर्तन पड़ा हुआ है, इस तरह का ये पानी का बर्तन रखेंगे, तो ये गर्मियों में नहाते हैं, तो इनको गर्मी भी इतनी नहीं लगेगी। जी दोस्तों परिंदों का भी सबका दाना पानी हो गया, और कबूतरों की भी दाना पानी दे दिया है सब परिंदों को। भाई इनको बंदी करना है। वीडियो का भी यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।